थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी महागुरु का चरण स्पर्श। सबसे पहले तो इस सेप्स ऑफ इंडस्ट्री में रॉयल ग्रुप टीम के फाउंडर पर्सन जो गुरु द्रोणाचार्य का काम करते हैं श्रीमान माधव सर, उनका भी चरण स्पर्श है। हमारे माननीय श्रीमान विजयपाल सर जो लगातार लगातार हर सप्ताह अपना दर्शन देते हैं और जिसके वजह से हम सभी लोग एनर्जेटिक होकर के एकजुटता के साथ दिन प्रतिदिन नया आयाम को लिखते चले जा रहे हैं। हम सभी के मार्गदर्शक, हम लोगों के गुरु, हम लोगों के मेंटर, जिनकी वजह से आज हम सभी लोगों की पहचान बनी है, माननीय श्रीमान सत्येंद्र प्रसाद सर। सर का भी सादा चरण स्पर्श है, क्योंकि आज यदि सर नहीं होते तो शायद हम लोग यहाँ नहीं होते। माननीय श्रीमान राकेश प्रसाद सर, जिनके डायमंडशिप को देख करके मन में एक विचार गया कि हमें भी डायमंड बनना है। आज इस लेवल पर आने के बाद जहाँ भी हैं, जो भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन हुआ है, छोटी सी छोटी गलतियों को भी सर ने सुधार करवा के एक बड़े प्यार से यहाँ तक लाने का काम किया है। माननीय श्रीमान अजय पंडित सर, सर आपका भी चरण स्पर्श है। हमारे शुरुआती दौर में जबरदस्त तरीके से हमारा सपोर्ट करने वाले माननीय श्रीमान अविनाश सर, जिन्होंने कभी भी अपने लेवल को आरे नहीं आने दिया, छोटी छोटी बातों को ध्यान दिलाया, बिल्कुल हमारे साथ फील्ड में जाकर के प्लान दिखाने तक का भी काम सर ने किया हुआ है। बहुत बहुत सर आपका नमस्कार है, चरण स्पर्श है सर। हमारे संजीव सर, आज यहाँ जो कुछ भी हम बोल पा रहे हैं सर का ही कृपा है। सर ने ही शुरू से कैसे माइक पकड़ना है, कैसे स्टेज पे खड़ा होना है, कैसे सब में बात करना है, कैसे क्या करना है, छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल उंगली पकड़कर एक बड़े भाई होने के तरह उन्होंने हमें यहाँ तक सींच के लाया है। आज अगर बात करें इस बिजनेस में आने का, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्रेडिट मिस्टर सतीश कुमार सर को जाता। सर आपका भी सादा चरण स्पर्श है। सर अगर आज उनको प्लान नहीं दिखाए होते तो शायद आज यहाँ हम नहीं होते। बहुत सारी गलतियाँ हमसे भी होती थी, लेकिन सर एक दोस्त के तरह, एक भाई के तरह प्यार से आज तक समझा करके उंगली पकड़ के यहाँ तक लाने का काम किया। आप सारे महागुरु को हमारा चरण स्पर्श है सर। हमारे इस पैनल पे जो भी हमारे साथी हैं, वो हमारे नेटवर्क में हैं या नहीं है, लेकिन आज कहीं ना कहीं उनके ऑडियो को सुन के, उनके वीडियो को सुन के, उनको देख करके, उनके काम करने के तरीकों को देख के, उनके टारगेट करने के स्टाइल को देख करके, आज पूरा का पूरा ग्रुप हम लोगों का भी बहुत एनर्जेटिक रहता। आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, जिसमें सर्वप्रथम हम विनोद कुमार राठौर जी, हमारे संतोष अग्रवाल जी, पंकज सिंह कुंतल जी, धर्मवीर जी, गजेंद्र प्रसाद सिंह जी वगैरह वगैरह बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं, हमारे अमरेंद्र कुमार कर्णी जी या नरेश मिश्रा सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार है। हमारे दमदार साथी शुरू से हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के चलने वाले मिस्टर अजीत कुमार झा जी, शुभकांत जी, शिव कुमार मिश्रा जी, विपिन झा जी, रवि कुमार शेखर जी, सुमित मिश्रा जी, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं। ऐसा नहीं जिनका नाम नहीं लेते वो हमारे दमदार लीडर नहीं हैं। सारे लोगों ने एकजुटता के साथ काम करके यहाँ तक आया। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इतने बड़े मंच पे आप सभी के साथ कुछ बातचीत करने का। इसका सारा का सारा श्रेय आप सभी गुरुओं को जाता, हमारे सारे साथी को जाता। जो कुछ भी मैंने इस 7 साल के दौरान सीखा, सर ने जो आज टॉपिक दिया उस पर हम जरूर चर्च करेंगे। अगर सर का परमिशन हो तो स्क्रीन शेयर कर लें सर। थोड़ा आवाज आ रहा है अनिल जी आपकी तरफ से? ओके सर, पैन का या ऐसा कुछ है? सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आज इस पैनल पे। आज जो मुझे बोलने का मौका मिला, जो टॉपिक मुझे मिला हुआ है, वो है शो द प्लान। आज इस टॉपिक में मुझे 15-20 मिनट बात करने का, बातचीत करने का अपने गुरुओं की तरफ से मुझे मौका मिला हुआ है। दोस्तों, आखिर प्लान दिखाना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले हम इस पर चर्च करें कि आखिर प्लान दिखाना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जिस प्रोफेशन में आते हैं, जिस बिजनेस व्यापार में आए हैं, अगर इसमें हम लोग प्लान नहीं दिखाएं तो कुछ हो नहीं सकता। प्लान दिखाना इसलिए महत्वपूर्ण है कि लिस्ट हम बना लेते हैं, हम इनवाइट कर लेते हैं, लेकिन यदि हम अपने लोगों को प्लान नहीं दिखाएं तो प्लान नहीं दिखाने से कुछ हो नहीं सकता। प्लान हमारे व्यापार का तीसरा सबसे मजबूत स्तंभ है। किसी भी फैक्ट्री, कंपनी, प्लांट या बहुत बड़े बड़े महल, बहुत बड़ी इमारतों को आपने देखा होगा, अगर उसका स्तंभ मजबूत है, अगर उसकी नींव मजबूत है, जड़ें उसकी मजबूत है, तो वो इमारतें लगातार ऊंचाई पर चलते चला जाता है। इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद भी यदि हम लोग चाहते हैं बड़े बड़े लेवल को हासिल करना, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट लेना, डायमंड बनना, क्राउन एम्बेसडर बनना या जो भी बनना, तो जितने ऊंचाई पर जाएंगे हमारी जड़ें उतनी मजबूत होनी चाहिए। और इस बिजनेस में हमारी जड़ें सिर्फ प्लान के वजह से ही होता है, केवल प्लानिंग से नहीं होता। और इस व्यापार का सबसे तीसरा बहुत बड़ा मजबूत अगर स्तंभ माना गया है तो वह प्लान को माना गया है। इसलिए प्लान दिखाना बहुत ही जरूरी है। प्लान दिखाना इसलिए भी जरूरी है कि यदि हम प्लान नहीं दिखाएंगे तो हमें डायमंड मिल नहीं सकते। आज इस पैनल पे भी जितने सारे लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनको कभी ना कभी किन्हीं ना किन्हीं के माध्यम से प्लान कभी ना कभी दिखाया गया, तभी वो एक निर्णय लेकर के इस बिजनेस में ज्वाइन किए। आज चाहे हमारे सारे महागुरु क्राउन एम्बेसडर हों, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हों, या हमारे सारे साथी डायमंड्स हों, या हम सभी लोग आज रेड क्लब के लोग यहाँ बैठे हैं, या जो भी लेवल आगे आना भी है,
कहीं ना कहीं किन्हीं ना किन्हीं के माध्यम से या तो हम लोगों को प्लान दिखाया गया या हम लोग किसी को प्लान दिखाते हैं। तो प्लान इसलिए भी दिखाना जरूरी है कि यदि हम प्लान नहीं दिखाएंगे तो हमको डायमंड मिल ही नहीं सकते। अगर हमें डायमंड्स चाहिए तो हमें प्लान दिखाना ही पड़ेगा, ये बेसिक बात है, इसको हमें हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। प्लान दिखाना इसलिए भी जरूरी है मेरे दोस्त कि अगर हम प्लान नहीं दिखाएंगे, यदि हम लोगों को अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के उत्पाद के बारे में जानकारी नहीं देंगे तो वो लोग हमारे साथ आ ही नहीं सकते। तो तीसरा सबसे मजबूत कारण इस बिजनेस में प्लान दिखाने का है कि यदि हम प्लान दिखाते हैं तो प्लान दिखाने के वजह से हमें अपने दूसरों को अपने कंपनी के बारे में, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके उत्पाद के बारे में जानकारी दिया जाता है और जब उन्हें अच्छा लगता है वो हमारे साथ इस बिजनेस व्यापार में आने का एक निर्णय भी लेते हैं। प्लान इसलिए भी दिखाना जरूरी है कि यदि हम प्लान नहीं दिखाएं तो हमारा व्यापार कभी बढ़ ही नहीं सकता। प्लान दिखाने की वजह से हमें अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। आज यदि हमें भी प्लान नहीं दिखाया गया होता तो हमारा इतना बड़ा कारोबार नहीं होता, इतना बड़ा व्यापार हमारा नहीं हो पाता। इसलिए हम सभी से निवेदन यही करेंगे कि आप जो कुछ भी करते हैं वो तो करते रहें, लेकिन ये बिल्कुल मूल कारण है। हमें अगर लगातार लगातार तरक्की लेना है, ऊंचाई पे जाना है, कुछ भी करना है तो ये सिर्फ प्लान ही हमें है जो हमें हमेशा लगातार अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद दिलाती है। पांचवा सबसे बड़ा कारण है कि प्लान के माध्यम से ही हम एक अपॉर्चुनिटी दूसरे के ज़िंदगी में देते हैं। जैसे हम भी इससे पहले LIC अभिकर्ता हुआ करते थे, बहुत सारे लोग जो भी यहाँ आज हैं या तो वो सरकारी नौकरी में रहे होंगे या प्राइवेट नौकरी में रहे होंगे, हमारे स्टूडेंट्स होंगे, हाउसवाइफ होंगे या किसी जॉब वगैरह की कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, अलग अलग जगहों पे वो काम कर रहे होंगे, लेकिन किसी न किसी मित्र के वजह से, किसी रिश्तेदार की वजह से, उनके दोस्त की वजह से जहाँ वो जॉब करते थे उनके वजह से, किन्हीं के वजह से उनको प्लान दिया गया और प्लान के माध्यम से ही उनको इस व्यवसाय में आने का एक अवसर प्राप्त हुआ। तो हमें इन बातों को जरूर ध्यान देना है कि प्लान दिखाने का मतलब उनके ज़िंदगी में एक मौका को देना होता। पता नहीं प्लान दिखाने से पहले हम लोग क्या सोचते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक बात सोचने की ज़रूरत है कि प्लान सिर्फ औरों के ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक अवसर है, इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए। अब होता है कि प्लान आखिर हम कैसे दिखाएं, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये प्लान हम कैसे दिखाएं। तो इसके लिए हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा जटिलता की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा असमंजस की बात नहीं है, प्लान बिल्कुल दिखाएं। और दिखाने के कुछ कारण जरूर हैं जो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। सबसे पहले प्लान अगर हमें दिखाना है तो 1-to-1 प्लान पर फोकस करना चाहिए। 1-to-1 प्लान या तो हमारे गेस्ट का एक जगह हो सकता है या हमारे घर पे वो आ सकते हैं, जहाँ भी हो, जहाँ वो कंफर्टेबल फील करते हैं। सबसे पहले हमें उनसे अपॉइंटमेंट लेकर के प्लान के लिए शेड्यूल फिक्स करना चाहिए। अगर हमें वो अपने घर पे भी बुलाते हैं, जो टाइम दे, किस टाइम में आपको हमारे पास आइए, आप उनको बताएं, जो आपको समय दिया गया, आप वहाँ जब जाते हैं तो जाने के साथ तुरंत स्टार्ट नहीं हो जाना है। जाने के साथ 1-2 मिनट पहले आप देखें कि वहाँ का माहौल कैसा है, शांति वातावरण में है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि हमें समय देने के बाद उनके आपस में घर में किसी भी प्रकार का कोई विवाद हुआ हो, उनको मैडम से कोई झगड़ा झंझट हुआ हो या अपने बच्चों को उन्होंने डांट फटकार लगाई हो तो उनका दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। तो हमें सबसे पहले परखने की आवश्यकता है कि अभी वो बिल्कुल शांत हैं या नहीं। यदि बहुत चंचलता में है तो 2-3 मिनट उनसे मित्रवत रिश्तेदारी से अच्छे से बात करें, पहले उनको डाइवर्ट करें, अपने ओर आकर्षित करने का प्रयास करें। जब वो लगे कि वो बिल्कुल शांत हैं तो प्लान शुरू करें। लेकिन प्लान शुरू करने से पहले आप उनको जरूर बताएं कि अभी हो सके तो अपने मोबाइल फ़ोन को आप साइलेंट रखें, बीच में चाय नहीं आवे, बच्चे नहीं आ जाएं, क्योंकि ये आपके जीवन को बदलने का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। ये एक ऐसा अवसर आप आज आपके जीवन में आ सकता है जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। आज आप जहाँ हैं वहाँ से बहुत ऊँचाई पर जा सकते हैं। हमें पता है कि आपके पास बहुत सारे पैसे, अगर उनके पास आर्थिक दृष्टिकोण से वो बहुत मजबूत हैं तो उनको बताएं कि आप पैसे में तो खैर कोई बात ही नहीं, लेकिन आज यहाँ से आपको बहुत सारे लोगों के जीवन बदलने का मौका मिलेगा। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा अवसर आज आपके जीवन में आने वाला है, तो हम जरूर चाहेंगे कि मात्र 10 मिनट आप अपने कीमती समय में बिल्कुल शांत स्वभाव से दें और जब एक अच्छा माहौल आपको लगे तो आप 1-to-1 प्लान शुरू करें। लेकिन 1-to-1 प्लान को बहुत ज़्यादा लंबा खींचने का जरूरत नहीं। हमारे बहुत सारे साथी होते हैं जो प्लान दिखाने के बाद सोचते कि अभी हम यहाँ सेल क्लोज ही कर दें, वो उनका लगातार लगातार फॉलोअप भी करते चले जाते, इसमें ज़्यादा टाइम किल होता, उनको लगता है कि आज ही इनका हम FIM भी कर देते हैं। बहुत सारे हमारे साथी तो 8 स्टेप का ट्रेनिंग भी फर्स्ट दिन 1-to-1 प्लान में देना शुरू कर देते हैं। मेरे दोस्त, प्लान बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। 1-to-1 प्लान 10 मिनट से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। आप कोशिश करें कि पहला दिन 1-to-1 प्लान दिखा के 15 मिनट में उनके घर से वापस आ जाने का, उनको उनके निर्णय करने पर छोड़ दीजिए। हो सके तो प्लान में उनके और परिवार के अगर कोई सदस्य हैं, अगर उनको आप वहाँ बैठा लेते हैं तो आपके रिजल्ट कन्वर्ट होने की संभावनाएँ बढ़ जाती है। चूँकि घर जा करके अगर वो राय विचार किसी से करेंगे तो अगर उनके दिमाग में कोई निगेटिव विचार डाले, उससे बेहतर है कि सारे लोग पूरे परिवार के अगर एक साथ बैठ करके इस प्लान को देखें तो इससे होता है कि रिजल्ट कन्वर्ट होने का चांस आपका बढ़ जाएगा। लेकिन पहला दिन 15 मिनट से ज़्यादा उनको लंबा खींचना नहीं है, बिल्कुल आप प्लान दिखा करके उनको निर्णय करने के लिए छोड़ दें, वापस चले हैं। एक कारण 1-to-1 प्लान का भी है। दूसरा, आप यदि चाहें तो आप ग्रुप प्लान भी कर सकते हैं।
ग्रुप प्लान एक ऐसा प्लान है जो रिजल्ट बढ़ाने की काफ़ी संभावनाएं इसमें होती है। आपके कम मेहनत में बहुत सारा रिजल्ट ग्रोथ होता है, लेकिन इसके लिए जैसा मेरा मानना है कि कोई भी हमारे साथी जो फ्रेशर हैं या जो हमारे सिल्वर हैं, आप उनके घर का भी चुनाव कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आप चाहें तो फलाने दिन इतने बजे से इतने बजे के बीच में आप अपने मोहल्ले के 10-5 लोगों को इकट्ठा करें और हम आपको वहाँ प्लान दिखाने के लिए आएंगे और आपके जो सिल्वर लीडर हैं जो उनको वो हमारे साथ जरूर आएंगे। या हो सकता है तो आप अपने सिल्वर को पहले उनके पास भेज दें, वहाँ पर में वो एक अच्छे माहौल में 10-5 लोगों को बैठने की व्यवस्था करें। लेकिन ग्रुप प्लान में एक बात जरूर ध्यान देना है कि 25-30 कुर्सियाँ पहले से लगा के न रखें। अगर आपने 10 लोगों को इनवाइट किया है तो 4-5 कुर्सियाँ ही लगा के रखें, बाकी कुर्सी अपने अंदर रखें। अगर लोग आते हैं तो उन बाहर निकाल के चेयर दें, नहीं तो होता क्या है कि अगर दो चेयर एक चेयर खाली रहता तो उनको लगता है कि अरे सबसे ज़्यादा इस मोहल्ला के बेवकूफ़ हम ही हैं, क्या हम ही आ गए फंसने के लिए। लेकिन अगर उनको आके एक आध मिनट खड़ा होने का मौका मिलता तो उनको लगता हम काफ़ी लेट हो गए, बहुत सारे लोग हैं जो इस काम में इंटरेस्टेड हैं। तो प्लान दिखाने से पहले उनका दिमाग आपके तरफ एक कंसंट्रेट होगा और प्लान चाहे आप जब भी दिखाएं लेकिन वो इस बिजनेस में आने का एक निर्णय ले सकते हैं। उस प्लान में खास करके एक चीज़ जरूर ध्यान देना है कि यदि आप किसी के साथ वहाँ जा रहे हैं, अगर आपके सीनियर प्लान दिखाने जा रहे हैं तो एक एंकरिंग करके अपने लीडर्स को बुलाएं और जब भी आप प्लान स्टार्ट करें तो प्लान वहाँ खड़ा होकर के ही दिखाएं। इससे एक फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपके साथ 5-6 लोग हैं, मैक्सिमम 10 लोगों तक अगर हैं, तो उन 10 लोगों के बीच में आपको खड़ा होकर के बात करने में एक कॉन्फिडेंस आएगा। अगर ऐसा 2-4-10 प्लान आप कर लेते हैं तो बड़े बड़े वेन्यू पे हजारों लोगों के बीच में भी जाके बोलने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उस प्लान को भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, 10-15 मिनट में प्लान समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 5-10 मिनट और लोगों का जो भी अगर कोई सवाल है, कोई जवाब है, तो आप उस क्वेरी को दूर करें, लेकिन प्रयास करें कि आधा घंटा के अंदर वहाँ से हम जरूर निकल जाएँ। मेरा समय से निकलने का कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि सामने वाले के दिमाग में एक मैसेज है कि ये काम बिल्कुल आसान है, हम बहुत व्यस्त लोग हैं, हमारे पास समय का अभाव है, लेकिन अपने समय में से तो 10-15 मिनट हम निकाल ही सकते हैं। अगर मात्र 10 मिनट 15 मिनट इस काम को करने से अगर इतनी बड़ी कामयाबी को लिया जा सकता तो हम इस काम को जरूर कर सकते हैं। अगर हम पहले ही दिन उनके दिमाग में 1-2 घंटा का मैसेज डाल देंगे कि तो उनको लगेगा यार इतना समय तो मेरे पास है नहीं, और कंपनी बहुत अच्छा लगा, प्लान बहुत अच्छा लगा, जीवन बदलना भी चाहते हैं, लेकिन चूंकि उनके पास समय का अभाव है इस अभाव के वजह से वो इस सिस्टम में नहीं जुड़ने का एक निर्णय ले लेते हैं। इसलिए विशेष तौर पे हमें समय का ख्याल जरूर करना चाहिए जब भी हम पहली बार प्लान दिखाने जाते हैं। एक हमारा वेन्यू प्लान होता, हालांकि अभी कोरोना के वजह से ये प्लान तो अभी चल नहीं रहा, सारे जगह का पूरे हिंदुस्तान का वेन्यू बंद है, लेकिन जब भी हम लोग इस प्लान को करते थे या आगे जब कभी भी अगर ये प्लान होगा, वैसे अब तो उम्मीद नहीं, अब तो डिजिटल ही प्लान ही चलेगा और सबसे बेहतर वही प्लान होता, लेकिन अगर वेन्यू प्लान दिखाने का भी हमें मौका मिलता, पहले भी मिलता था, तो इसमें कभी कभी हम लोगों से छोटी छोटी गलतियां हो जाती थी। समय से पहले हम आते नहीं थे, हमारे गेस्ट को बैठने की व्यवस्था समय से पहले हम नहीं कर पाते थे, साउंड प्रोजेक्टर हमारे गेस्ट के आने के बाद वहां लगता था, प्लान चालू होने के बाद खास करके कमियां जो हम लोगों को देखने को मिलता था, हम लोगों ने अपने वेन्यू पर देखता था कि हमारे कुछ साथी सड़क पर जाके गेट पे जाके अपने गेस्ट का इंतजार करते रहते थे कि आइए कब आएंगे, वेन्यू स्टार्ट हो गया, आप लेट हो रहे हैं। इससे आने वाले गेस्ट को लगता था कि ये सिर्फ इसको मेरी आवश्यकता थी, इसको हमारे आने से फ़ायदा है और सिर्फ अपने फायदे की वजह से ये हमारा इतना इंतजार कर रहा है। तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि अगर एक सोनार सोने के दुकान जो होते हैं, अगर वहाँ का एक नंबर हॉलमार्क का सोना भी रोड किनारे सड़क के किनारे ठेला पे लगा के बेचने की शुरुआत करेगा तो उसका लोग पीतल का ही दाम लगाएंगे, आर्टिफिशियल उसको भी समझेंगे। तो जिसका जो प्रॉपर जगह होता है, अगर उस जगह पर उस चीज़ को दिया जाता है तो उसकी गरिमा बनी रहती है। जब भी आपका प्लान स्टार्ट हो जाए आप बिल्कुल गेट पर ना जाएं, बिल्कुल आप रोड पर नहीं जाएं, उनको कॉल नहीं करें। यदि वो आ भी जाते हैं तो आप उनको किसी को उठा करके बैठाने का प्रयास न करें, बोले कि आप तो सॉरी आप लेट हो गए, आज ये मौका आपके हाथ से निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं, फिर अगर जीवन में कभी ऐसा अवसर आएगा तो सबसे पहले प्राथमिकता पर हम आपको रखेंगे, हमने आपका नाम डायरी में नोट किया है, आपको जरूर ये मौका हम देना चाहेंगे। लेकिन बीच में इधर उधर उथल पुथल करने की आवश्यकता नहीं है। तो खास करके वेन्यू पर एक अच्छा माहौल मिलेगा, एक अच्छे संस्कार में लोगों का रहने का मौका मिलेगा, इससे आपके रिजल्ट को कन्वर्ट होने का चांस इसलिए भी बढ़ जाता है कि जो भी हमारे नए साथी आते हैं पहली बार उनको लगता है कि हम जिस जगह पर गए हैं, काम चाहे जैसा भी हो लेकिन वहाँ के लोग बड़े संस्कारी थे, बहुत डिसिप्लिन व्यक्ति थे और एक अच्छे माहौल में हमको रहने का मौका मिलेगा, अच्छे अच्छे लोगों से एक संपर्क हमारा हो जाएगा, हमें भी अपने काम धंधा में जहाँ हमारा जो फ्रस्ट्रेशन होता है, सप्ताह में एक दिन आकर के हम भी अपना आधा घंटा अगर समय यहाँ बिताते हैं तो हमें भी नए नए लोगों से संपर्क बढ़ाने का मौका मिलेगा, वो एक पॉजिटिव सोच के साथ। वो कंपनी को नहीं जानते, वो प्रोडक्ट्स को नहीं जानते, पहले दिन प्लान में उनको कोई बात समझ में नहीं आई, वो कुछ भी नहीं समझे, सिर्फ वहाँ के एक माहौल, आपके एक अच्छे संस्कार, उनको बढ़िया से वेलकम करके एक बैठाने का तरीका, कोई ना कोई एक कारण उनको लगता और वही एक वजह उनको आपके सिस्टम में जुड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता। चौथा एक सबसे महत्वपूर्ण कारण इस
डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जब से ये कोरोना आया हम लोगों को एक मौका और प्लान दिखाने का दे दिया जो है हमारा डिजिटल प्लान। दोस्तों ये डिजिटल प्लान, हालांकि इसके बारे में हम लोगों को पुराना कोई अनुभव नहीं था, लेकिन बार बार हम लोगों के जितने भी महागुरु हैं वो ट्रेनिंग में एक बार जरूर बताते थे कि बदलते वक्त के हिसाब से यदि आप अपने स्वभाव और व्यापार को नहीं बदलते तो या तो आप मिट जाएंगे या आप बिक जाएंगे। तो उस समय हम लोगों को ये लगता नहीं था, हम लोग को भी स्लाइड मिला, हम लोग भी ट्रेनिंग में ये बात जरूर बता देते थे और कुछ उदाहरण भी दे देते थे, क्योंकि ऊपर से हम लोग को डुप्लीकेशन करने बोला गया था, हम लोग बोलते चले जाते थे। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद 7 साल के दौरान 6 साल तक हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी पर काम किया, लेकिन 20 साल पुरानी कंपनी अगर आज उसी तरह से उसी स्टडी से आगे भी सोचेंगे कि हमारा काम हो जाए तो कभी काम हो नहीं सकता। वक्त बदलता है, बदलते वक्त के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ता है, चाहे कारण जो कुछ भी हो। एक बहाना कोरोना का जरूर आ गया कि कोरोना के वजह से ही बदलाव हुआ, लेकिन बदलाव होना ही था। बदलाव विकास की निशानी होती है, तरक्की की निशानी। अगर हम बदलते नहीं, अपने आप को बदलने को प्रयास नहीं, तो हम जहां हैं वहीं रह जाएंगे। दोस्तों आज लगातार 20 साल 21 साल से जो कंपनी जैसे चल रही थी, अब बदलाव आया, पूरे दुनिया में बदलाव आया, हिंदुस्तान में बदलाव आया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बदलाव आया, हमारे लोगों के सोच विचार में बदलाव आया, उनके काम करने के तरीके में बदलाव आया, हर तरह से बदलाव आया। यदि अब भी हम नहीं बदलने को तैयार हैं तो शायद हम जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे, बदलना पड़ेगा। और इस बात को जितना जल्दी हम स्वीकार कर लें, जितना जल्दी हम अपने आप को बदल लें, हम उतने ऊंचाई पे उतने कम दिनों में जा सकते हैं। डिजिटल प्लान अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्लान है, क्योंकि 1-to-1 प्लान होने के बाद अब वेन्यू वगैरह खुलने का उम्मीद नहीं। अगर खुल भी जाए तो हम लोग पहले बताते थे कि आप 5 किलोमीटर के दायरा में ही काम करें, आप जिनका सपोर्ट जहाँ कर सकते हैं वहीं आप उनको प्लान कराएं। अगर आप उनको ज्वाइन करा देंगे कहीं बाहर के लोगों को, उनका आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो वहाँ के 10-20 लोगों को निगेटिव करेंगे। तो हम लोगों को रोका जाता था, हम लोग भी अपने लोगों को रोकते थे कि नहीं, अभी आप जहाँ हैं वहीं काम करें, अपने सिटी में काम करें, बाहर नहीं जाना है। लेकिन मेरे दोस्त, इस बदलते परिवेश में डिजिटल प्लान पूरे हिंदुस्तान में, जैसे वन इंडिया वन नियम वन कानून, जैसे हमारा बोला जाता है कि वन टीम वन पैसन वन गोल, उसी तरह अब एक प्लान पूरे हिंदुस्तान में। हम चाहे आज पटना में हैं, लेकिन अगर आज दिल्ली के लोगों को प्लान दिखाना हो तो ऑटोमेटिक 15 मिनट के लिए उनको एक लिंक भेजते हैं, जूम पे कनेक्ट उनको प्लान दिखा सकते हैं। अब सपोर्ट करने की बात के लिए कोई सोचना नहीं है। आज हमें इच्छा हो कि आज हमें महागुरु जी विजयपाल सर का समय चाहिए और सर को हम मतलब आग्रह करते हैं, सर बोलते चलिए फलाने टाइम आधा घंटा का मैं आपको समय दिया। हमारे महागुरु जी सत्यन सर, यानी कभी भी डिजिटल इतना बेहतर हो गया कि हम जब चाहें एक बटन पे हमारे कोई हमारे अपलाइन या हम किसी ग्रोलाइन का जब भी चाहे मीटिंग ऑर्गेनाइज कर ले, कुछ भी कर लेते। तो डिजिटल प्लान के फायदे यही हैं कि हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है। बस जितना देर हमको किसी को कॉल करके लिंक भेजने में वक्त लगता है या उनसे अपॉइंटमेंट लेने में वक्त लगता है, वही समय लगता हम अपने 5 लोग 7 लोग 10 लोग 15 20 मैक्सिमम 25 लोगों को अपने डिजिटल प्लान पे एक बार में प्लान दिखाने के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा कनेक्ट करने की जरूरत डिजिटल प्लान में नहीं है। संडे के दिन डिजिटल प्लान में अगर बहुत ज़्यादा होता तो वो एक कोरम पूरा करने की बात होती, लेकिन आपका जो रिजल्ट कन्वर्ट होता, ज़्यादा अगर आपको रिजल्ट मिलेगा, वो सिर्फ छोटे छोटे प्लान करने की वजह से होगा। 15 लोगों का प्लान, 20 लोगों का प्लान अगर आप डिजिटल करते हैं तो आपका रिजल्ट बढ़ने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है। डिजिटल प्लान में खास बात पर ध्यान यही देना है कि जिनको भी आप ये लिंक भेजें उनको एक आग्रह जरूर करें कि आप प्रॉपर एक नेटवर्क में केवल रहिएगा, आप अपने वीडियो को ऑन रखिएगा, आपको वहाँ पर कोई डिस्टर्ब ना करे। इस जगह का आप जरूर चुनाव करें कि वहाँ कोई बच्चे या घर परिवार के कोई सदस्य आपको डिस्टर्ब ना करें। अपने माइक को आप जरूर म्यूट रखिएगा। आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, इतने बड़े अवसर को आपने चुना है। इसके लिए 15 मिनट आपको धैर्यपूर्वक इन बातों को सुनना पड़ेगा। ये एक ऐसा मौका है जो ये मौका न जाने आपके ज़िंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता। आज लाखों लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया और शायद ईश्वर ने आज का यही समय चुनाव किया था और आज आप 15 मिनट अपने कीमती समय को यहाँ पर जरूर रखें। आप पहले से उनको कुछ गाइडलाइंस दे दें, जब आप प्लान शुरू करें तो फिर यहाँ भी ज़्यादा जटिल प्लान नहीं, बिल्कुल प्लान को सिंपल तरीके से प्रेजेंट करें। और आप जब डिजिटल प्लान को प्रेजेंट करेंगे आप उनको ये बताएं कि बिल्कुल ऐसा आपको नहीं सोचना है कि अभी तुरंत आपको रिजल्ट, आप जाएं आराम से घर पे इसको सोचें, बिचारे परिवार के सदस्य से बात करें कि कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, जो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ प्रत्येक दिन खरीदते ही हैं, लाइफ में एक बार यहाँ से लेना है। जो भी आपका अपना कहने का उनको तरीका होता है, आप उनको इस बात से मोटिवेट इसलिए कर दें कि जब आप बाद में उनको कॉल करें तो उनका आप में इंटरेस्ट हो, आपके फ़ोन को उठाएं। यदि हम प्लान के समय उनको तुरंत ज्वाइन करने के लिए ज़्यादा आग्रह करेंगे तो खास करके आप देखेंगे कि बाद में वो आपका फ़ोन उठाना बंद कर देंगे। पहले तो जब फिजिकल आप जाते थे तो उनके घर पे जाके 2 बार 4 बार 10 बार 15 बार आप नॉक करते थे तो कभी ना कभी गुस्सा में ही आकर के, लेकिन वो आपको अपना ज्वाइनिंग दे ही देता था कि ये तो डेली परेशान करता है। लेकिन डिजिटल में तो बस आपको या तो वो ब्लैक लिस्टेड कर देगा, तंग करेंगे, आपका कॉल नहीं उठाएगा, आपसे बात नहीं करेगा। इसलिए प्लान जब भी आप दिखाते हैं तो प्लान इतने सरल तरीके से दिखा करके एक ऐसा रिश्ता रिलेशन उनके साथ बिल्ड कर लें कि जब कभी भी आप उनको कॉल करें वो आपके फ़ोन को उठाने के लिए मजबूर हो जाएं, आपका रिलेशन
इतना बेहतर पहले हो जाए। इसलिए डिजिटल प्लान में खास करके हम लोग को ये ध्यान देना है कि कहीं भी एक गेस्ट हमें मिलता तुरंत लिंक भेज करके उनको प्लान दिखा देते हैं, इससे आपका गेस्ट खराब हो सकता। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह उनसे बढ़िया सा दोस्ती करें, बराबर कॉल वगैरह करते रहें, घर परिवार की स्थिति को पूछें। अभी कोरोना का समय है, उनके परिवार के सारे सदस्य स्वस्थ हैं या नहीं, बच्चे कैसे हैं, पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा, घर परिवार कैसा चल रहा, इस पेंडेमिक की स्थिति में भी उनके घर पर कोई परेशानी तो नहीं है। यानी उनको अच्छे से सलाह दें, उनको बोलें कि आप हमेशा मास्क पहन के रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, जो भी प्रिकॉशन अभी रखें, चूंकि अभी का जो समय है ये बहुत बुरा दौर चल रहा है, ताकि इन सब बातों से उन्हें लगे कि ये हमारे विषय में थोड़ा ज़्यादा ख्याल कर रहा। कभी भी अगर आप डिजिटल प्लान दिखाते हैं, उनका बर्थडे हुआ उनको विश कर दें, कभी उनको कॉल कर दें, कभी कुछ करें, यानी आपसे उनका एक लगाव, एक जुड़ाव हो जाए, उनको लगे यार ये हमारा प्रॉपर बहुत केयर कर रहा है। जब उनसे एक अच्छा रिलेशन हो जाए फिर आप उनको लिंक भेजें और उनको प्लान दिखाएं। 20-25 लोग मैक्सिमम होने का सिर्फ ये मतलब है कि आपके लैपटॉप के स्क्रीन पर लोगों तक दिखता। अब उस समय आपको पता चलता कि इसमें से कौन लोग हमारे बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या कौन नहीं सुन रहे हैं, कौन अपने वीडियो को म्यूट कर लिए या कौन हमको झेल रहे हैं। तो ये सब चीज़ आपको एक अट्रैक्शन बढ़ाता, आपको पता चल जाता प्लान दिखाने के समय में कि इसमें से कौन लोग हमारे साथ आ सकते हैं या कौन हमारे साथ नहीं आ सकते हैं। तो ये 4 प्रमुख कारण है प्लान दिखाने के। सबसे पहला 1-to-1 दिखा सकते हैं, आप ग्रुप प्लान दिखा सकते हैं, जब वेन्यू स्टार्ट हो वो दिखा सकते हैं, लेकिन सबसे मजबूत कारण अगर जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन चाहिए तो आपको डिजिटल प्लान पे फोकस करना पड़ेगा। ये प्लान प्रत्येक दिन होना चाहिए, जब भी मौका मिले। अगर आपको कोई टीम के लोग बोलते हैं कि सर एक दिखाना है, आप बिल्कुल सोचे नहीं, विचारे नहीं, 2 लोग भी मिलते हैं तो आप उनको तुरंत प्लान दिखा दें। 1-to-1 प्लान में भी बाइक से आप जा जा करके कहाँ कहाँ प्लान दिखाते थे, एक को यहाँ दिखाया फिर दूसरे को फिर तीसरे को, तो दिन भर हम लोग प्लान तो दिखाते ही रहते थे। क्या हर्ज है कि अगर जूम पे बैठ करके एक प्लान खत्म हुआ फिर दूसरा लिंक कोई कहीं से आ गया, कोई तीसरे लोग बोले कि सर दिखा दीजिए, कोई चौथा बोले दिखाइए। जितना ज़्यादा आप दिखा सकते हैं आपका समय का उतना बचत हो जाएगा और आपको तरक्की लेने में उतना कारण बन जाएगा। तो केवल सप्ताह के एक दिन के चक्कर में नहीं रहना है, हर छोटे छोटे ग्रुप के साथ आप प्लान दिखाने का जरूर प्रयास करें, और प्रयास करें कि दिन में कम से कम 5 सेशन ऐसा प्लान का जरूर चलें जो जिससे कि आपके ज़्यादा लोग कवर हो जाए। तो इस प्लान को अभियान बना देना है। अब बात आता है कि आखिर प्लान, एक चीज़ ध्यान आपको देना है कि जब आप प्लान दिखाने जाते हैं तो प्लान दिखाने के समय में आपको एक ध्यान देना है कि जब भी आप प्लान दिखाने जाएँ तो अपने साथ कुछ उपयोगी टूल्स जो जरूर आपके साथ होने चाहिए, खास करके जब 1-to-1 प्लान दिखाने जाते हैं तो ये तो जरूरी होना चाहिए। जिसमें सबसे पहला आपका है प्लान फोल्डर। अब बहुत लोग बोलते हैं कि सर प्लान फोल्डर का आप क्या जरूरत पड़ता है, अब तो हम लोग डिजिटल काम करते हैं, लैपटॉप से काम करते हैं, मोबाइल फोन से काम करते हैं, अब तो इसका कोई आवश्यकता है नहीं। नहीं, आवश्यकता है। बेशक आप लैपटॉप से ही प्लान करें लेकिन साथ में प्लान फोल्डर जरूर रखें। प्लान फोल्डर रखने के बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं। सबसे पहले जब आप उनको प्लान दिखाने के बाद आपके टूल्स देखने का उनको मौका मिलता। आप प्लान फोल्डर रखने से क्या होता कि कभी आपका नेट प्रॉपर काम नहीं करेगा, कभी आपका स्लाइड फंसे, अभी कुछ भी हो, आप वहाँ डिस्टर्ब नहीं होंगे, आप वहाँ से मायूस होकर लौटेंगे नहीं। आपके पास प्रॉपर सारा हथियार होना चाहिए। आप देखते होंगे जब बॉर्डर पर कोई फोर्स युद्ध करने के लिए जाते हैं तो कभी भी एक हथियार लेकर के, उनके पास डिफरेंट तरह के व्यवस्था होते हैं कि कभी अगर उनके बैग में बम भी होता, गोला बारूद भी होते, बहुत सारे इंतजाम कि कभी अगर हम किसी चक्कर में फंसेंगे तो बचने का चाहे जो भी तरीका हो तो हम जरूर कर लें। तो अपने प्लान फोल्डर को अपने साथ जरूर रखें, भले ही हम लोग लैपटॉप या डिजिटल प्लान जैसे भी करें। दूसरा, प्रगति सूत्र। प्रगति सूत्र इस बिजनेस में कहा गया है कि ये गीता, कुरान, बाइबल, जो भी समझें, हमारा प्रगति सूत्र। अगर इस में बिजनेस में आपको प्रगति लेना है तो प्रगति सूत्र अपने पास हमेशा हमेशा उपलब्ध जरूर होने चाहिए। इससे एक फ़ायदा क्या है कि बहुत सारे ऐसे सवाल जवाब है, अगर कोई वैसा करता तो आप उनको किताब खोल के वहाँ दिखा देते कि देखिए जो विचार आपके मन में आ रहा, ये विचार आज से लाखों लोगों के पहले ये विचार आ चुका, उसका सिंपल वो जवाब है। चूँकि ऐसे 60+ सवाल के जवाब उसमें दिए हुए हैं, इससे ज़्यादा सवाल मार्केट में कभी आ ही नहीं सकता। तो हमारा विचार है कि किसी भी तथ्य और आंकड़ों के हिसाब से यदि आप बात करते हैं तो सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर सामने वाला कोई सवाल किया और आप ऐसे उनको मौखिक जवाब देते हैं, उससे बेहतर आप एक थर्ड पार्टी कर दें, वो जो सवाल दिए उनको बोले कि बहुत अच्छा, यही सवाल मेरे भी जहन में जब हमने शुरुआत किया था तो आया था, हमने अप्लाइंस से सेम आपका वाला सवाल पूछा था और हमारे अप्लाइंस ने जैसा ट्रीट मेरे साथ किया, हम चाहते हैं वही तरीका आपके साथ अपनाएं। आप प्रगतिपथ निकालिए, उनके सवाल जो भी सवाल हैं उनको दिखाइए कि देखिए आपके तरफ बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, उसका इसमें ये जवाब, उनको जवाब पढ़ के सुना दें। तो इससे उनको आपके साथ आने में बहुत आसानी हो जाएगी। हमेशा अपने बिजनेस व्यापार में आप शुभारंभ जरूर रखें। दोस्तों, शुभारंभ हम लोग इसका अहमियत को नहीं समझते, लेकिन आप विश्वास करें कि शुभारंभ एक ऐसा प्रोडक्ट अपने लिए, टूल्स अपने लिए है कि इसमें आप कैसे लिस्ट बनाते हैं, कैसे इनवाइट करते हैं, कैसे प्लान दिखाना है, कितने कब फॉलोअप करना है, FIM करने का, यानी बहुत सारे तरह के इसमें दिए हुए हैं।
आप उनको देख करके आप सीख सकते हैं। यदि आपके अपलाइन आपके साथ नहीं है, लेकिन अगर प्लान फोल्डर, प्रगति सूत्र और शुभारंभ आपके साथ है, तो आप ये माने कि हमेशा 2400 घंटा आपके अपलाइन आपके साथ आपके पीठ पे खड़े हैं। इसलिए इन टूल्स को रखने का जरूर प्रयास करें। अपने कंपनी के उपलब्धि को आप प्लान में बता सकते हैं। आप उनको बताएं, जैसे अपने लोग का सौभाग्य कार्यक्रम हुआ, विजय कार्यक्रम हुआ, हमारी कंपनी की जो उपलब्धि है, 20 साल पुरानी कंपनी है, लगातार लगातार पे आउट कर रही है, जो कुछ भी आप अपने कंपनी के बारे में बता सकते हैं, बिल्कुल शॉर्टकट में आप अपने कंपनी की उपलब्धि के बारे में बता सकते हैं। आप चाहें सामने वाले अगर इंजीनियर हैं तो कोई डायमंड्स इंजीनियर का आप उनका रिकॉग्निशन का वीडियो दिखा सकते हैं। अगर सामने वाले टीचर हैं तो आप प्लान खत्म होने के बाद उनका एक कट छोटा सा वीडियो टीचर का दिखा सकते हैं। हम लोगों ने इसका बहुत सारा फायदा लिया है, तो हमको लगता है कि रिकॉग्निशन का वीडियो अगर प्लान दिखाने के समय में उनको दिखाया जाए तो ये बहुत रिजल्ट कन्वर्ट होने का एक कारण हो सकता है। प्रोडक्ट वीडियो को अपने साथ जरूर रखें। हमारे महागुरु जी विजयपाल सर बराबर बोला करते कि अगर नोनी पीने से किसी को फायदा हुआ, आप उसका एक टेस्टीमनी बना लें, 30 सेकंड 40 सेकंड का टेस्टीमनी वाला है। ऐसा ऐसा कुछ प्रोडक्ट का अगर टेस्टीमनी आपके पास है तो आप ये भी बता सकते हैं कि न केवल इस बिजनेस में जुड़ने की बात करते हैं, ये बहुत सारे ऐसे भी हमारे प्रोडक्ट हैं जो हमारे समाज में बहुत सारे शुगर पेशेंट हैं, बहुत सारे मोटापा वाले लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, लेकिन आप देखें कि इन लोगों को भी इस कंपनी में जुड़ने के बाद बहुत सारा फायदा हुआ। आप चाहें तो उनके टेस्टीमनी को भी दिखा सकते हैं। सफल अपलाइन के चेक का फोटो जरूर दिखाएं। हम लोगों को आज भी याद है जब हम लोग बिहार में इस काम को करने की शुरुआत किए थे तो हमारे बिहार में किन्हीं का भी 50,000 60,000 का चेक बनता नहीं था स्टार्टिंग के दौर में। तो हम लोगों ने महागुरु जी सत्येंद्र प्रसाद सर जी का चेक 1,23,030 रुपये के चेक को अभियान बनाया और हम लोग उसको अपने अपने फोल्डर में लगातार दिखाने का प्रयास करते थे। जब धीरे धीरे चलने लगा तो हम लोग सत्येंद्र सर के चेक को प्रमोट करने लगे, फिर अजीत कुमार झा जी, हम लोग अपने चेक को भी आज भी हमारे प्लान फोल्डर में शुरुआती दौर का जब हमने ज्वाइन किया था उसके एक सप्ताह बाद लगातार लगातार जो चेक बना उसका चेक का कॉपी आज भी हम लोगों के प्लान फोल्डर में उस प्रकार से लगा हुआ है। यदि आप उनको दिखाते हैं तो उनको लगता है यार अपने सारे काम को करने के साथ अगर वाकई में एक निर्णय लिया जाए और अगर महीना में 2,000 4,000 5,000 रुपये का भी चेक बने इस कोरोना काल में तो ये 5,000 रुपया भी उसके लिए 50,000 के बराबर है। तो उनसे उनको आपके बिजनेस में आने में बहुत कामयाबी मिलती। अपने कंपनी और अपलाइन के ऊपर आस्था बना के जाए। कभी कभी लोग जाते तो जरूर है लेकिन हम इस उद्देश्य से चले जाते हैं कि अगर ये ज्वाइन करेगा हमारा पेयर लगेगा, हमारा 1,000 का चेक बन जाएगा, हमारा एक ज्वाइनिंग घट रहा अगर हो जाएगा तो हमारा लेवल चेंज हो जाएगा, हमारा इनकम लगातार बढ़ना शुरू हो जाएगा, हमारा टारगेट में काउंट हो जाएगा। नहीं, आप बिल्कुल एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ जाएं। सबसे पहले जब भी आप जाएं तो अपने अपलाइन को एक बार याद जरूर करें और एक बार अपने ईश्वर जिनको भी आप मानते हैं उनको कि हे ईश्वर आज हम जिनको भी प्लान दिखाने जा रहे हैं आप उनको एक पॉजिटिव एनर्जी देना, आप उनको निर्णय लेने में जरूर मददगार करना, क्योंकि आज हम एक प्लान नहीं आज एक डायमंड खोजने के लिए निकले हैं। वो जो हो वो डायमंड बनेंगे और 4 साल के अंदर 10,000 का टीम हमको वो देंगे और वो भी अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएंगे। उनके भी बूढ़े माँ बाप का सपना पूरा होगा, उनके बच्चे भी अच्छे लाइफ स्टाइल को जी सकते हैं। आप इस इंटेंशन के साथ जाएं, अपने अपलाइन जिनके देखरेख में काम करते हैं एक बार आप उनको ध्यान स्मरण करके जरूर जाएं, वहां से आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगा। आप जैसे संगति में रहते हैं देर से आप ऐसा बन जाते हैं तो आप ऑलरेडी अपने वैसे अपलाइन के संगति में रहते हैं आप जिनके माफिक बनना चाहते हैं, तो वैसा ऊर्जा आपके साथ आ जाएगा और उस इंटेंशन के साथ आप प्लान में जब भी जाएं जरूर चले जाएं। सबसे बड़ी बात है लोगों को अपने साथ लाने तथा उनके सपने को पूरा करने में उनकी मदद करने के उद्देश्य से जाएं। मैंने पहले ही इस बात का चर्चा कर दिया लेकिन यह बात बिल्कुल ध्यान दें कि हम लोग किसी को भी केवल किसी तरह से वो आ जाए ज्वाइन कर ले हमारा कुछ हो जाए इस इंटेंशन से नहीं, इस इंटेंशन से हमेशा आप जाएं कि आप उनको मदद करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि आज अगर सतीश सर हमको मदद करने के लिए इंटेंशन से नहीं आते, अगर वो ये सोचते कि बस एक ज्वाइन करा देते हैं हमें 1,000 का चेक बन जाएगा या एक टीम में काउंट हो जाएगा तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। लेकिन सर का इंटेंशन था वो हमको मदद करने के इंटेंशन, उनको हमारे दर्द के बारे में पता था, हमारे मित्र उनको बताया कि हम बहुत दर्द में थे, हम 20-25 काम को करने के बाद लगातार छोड़े थे, हमारी जिंदगी बिल्कुल दलदल में फंसती चली जा रही थी। तो सर को लगा कि यही एक ऐसा मौका है कि अगर ये मौका हम वहाँ तक देते हैं तो शायद उनका सपना पूरा हो सकता है, उनका जो उद्देश्य है वो पूरा हो सकता है। इस हेल्पिंग एटीट्यूड से वो मेरे पास आए थे। तो मेरे दोस्त आप भी जब भी किसी के पास उनके पास प्लान दिखाने जाएं तो आप हेल्पिंग एटीट्यूड के साथ ही जाएं। आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल चरम पे होना चाहिए। कभी कभी होता है कि हमारा चेक नहीं बनता, हमारा लेवल नहीं बदलता तो हम डिप्रेशन में चले जाते। कभी भी डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं, ऊपर वाले का प्लानिंग सर्वोपरि होता है। यदि औरों से ज़्यादा मेहनत आप कर रहे हैं और अगर आपका काम नहीं चला तो आप घबराइए मत, आपका रुतबा भी औरों से कई गुना लाखों गुना बड़ा होना है। ये प्लानिंग ईश्वर की है, ये प्लानिंग उनकी है, तो आप अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी कम करके ना जाएं। सामने वाले को जब भी प्लान दिखाएं उनकी आंखों में आंख डाल के बात करें ताकि उनको लगे यार इनके साथ अगर हम आएंगे तो हमारा भी भला हो सकता है। जब भी आप जाए अपने चेहरे पे हमेशा मुस्कान रखें, बिल्कुल अपने चेहरा मुरझाए हुए चेहरा के साथ ना जाएं, बिल्कुल हंसते मुस्कुराते हुए जाएं, अच्छे ड्रेसअप में जाएं। हम लोग देखते हैं कि लोग प्लान दिखाने जाते हैं लोअर पहन लेते हैं, हवाई चप्पल और टी शर्ट पहन के वहाँ 16 लाख रुपया महीना देने के लिए पहुँच जाते हैं और
तो इससे वो हम पर कभी विश्वास नहीं कर सकते। आपका ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए, आप अच्छा एक जोड़ी कपड़ा शर्ट पैंट पहन के जाएं, ब्लैक जूता उसमें चमचमा हुआ पॉलिश, एक अच्छा बेल्ट, इन सब साथ जाएं, ताकि वो आपके साथ, कंपनी का प्लान बहुत अच्छा लगा, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा लगा, आप उनको अच्छे नहीं लगे तो वो कभी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। इसलिए आप वैसे बन के उनके सामने जाएं, जो आप जो दिखता है वही बिकता है। तो कम से कम ड्रेसअप आपका बेहतर होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि व्यक्तिगत स्वच्छता स्वच्छता पर भी ध्यान देना। हम सुबह में उठते हैं और शर्ट पैंट चला करके प्लान दिखाई निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कहीं पर मैं मूछ पे या कभी दाढ़ी पे कभी आँख में कुछ लगा भी हुआ है। बिल्कुल अच्छे से फेस वॉश मार के, अच्छा से आप जो डीओ वगैरह मारते हैं, आप जब वहाँ जूता खोलते हैं तो आपके मोजा से दुर्गंध नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो तो किसी तरह आपको झेल रहा, चाहता जल्दी यहाँ से चला जाए। तो इन सब बातों पे आपका ध्यान बिल्कुल होना चाहिए कि आपका जो चेहरा है, व्यक्तिगत स्वच्छता जो अंदर से है। कभी कभी हम लोग गुटखा वगैरह खा करके प्लान दिखाने के लिए चले जाते हैं तो आपके मुंह से एक अलग तरह का स्मेल निकलता है। तो इन सब बातों को प्लान दिखाने जब भी आप जाएँ तो बिल्कुल आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छा कलम और डायरी अपने साथ जरूर रखें। अगर कोई सवाल करता बोलता अच्छा आप एक कलम ले, बोलता है अच्छा ये 2 लाख का सप्ताह मिलता कैसे, तो बोलते अच्छा एक कलम दीजिए, तुरंत हम बता देते कॉपी दीजिए, हम उसी के कॉपी और कलम को ले लेते हैं, या अगर अपना भी रखते हैं तो एक कलम निकाल लेते हैं जो 2 रुपये लिखो फेंको। नहीं, आप 100, 200, 500 के कलम को जरूर रखें, एक अच्छा डायरी रखें। सामने वाले गेस्ट से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं, आपके पास बैग में हर चीज़ वो होना चाहिए, और जैसा सिचुएशन आप अपने बैग से वो निकालिए, चाहे वो कैलकुलेटर हो, चाहे वो अच्छा डायरी हो, चाहे वो कलम, कुछ भी आपके अपने पास होने चाहिए। कुछ प्रोडक्ट को आप अपने पास रख सकते हैं डेमो दिखाने के लिए, आप अपने पास रख सकते हैं, जो भी आप रख सकते इस्तेमाल कर सकते हैं उसको रखें। संपूर्ण हनुमान या भागवत गीता का डेमो जरूर रखें, स्मार्ट स्टार का प्रोडक्ट, अभी इस समय इस प्रोडक्ट का बहुत अधिक डिमांड है। आप वैसे वैसे प्रोडक्ट को अपने साथ टूल्स के रूप में आपका यह काम करेगा, ये जरूर आप अपने साथ रखें जब भी आप प्लान दिखाने के लिए जाएं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि प्लान दिखाने के बाद कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, जिस बात को हम चाहते हैं कि यहाँ पर जिक्र करना। सबसे पहले अब एक बात जरूर दिखाएं कि जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो प्लान दिखाने वाले लोग हमेशा आम होते हैं, चाहे आप क्लास 1 ऑफिसर पदाधिकारी भी हैं तो आप हैं, लेकिन आप जिनको प्लान दिखाने जा रहे हैं वो आम नहीं है, वो बिल्कुल खास है। यानी दिखाने वाले आम होते हैं लेकिन जिनको प्लान दिखाते हैं हम लोग, जो देखने वाले हैं ना, वो हमेशा खास होते हैं। इसलिए कि जिनको हम प्लान दिखाने जा रहे हैं वो एक डायमंड के रूप में हमको दिखते हैं। आज अगर हम क्लास 1 ऑफिसर भी हैं तो हम डायमंड नहीं हैं। इसलिए जो भी हम हैं, हम आम हैं, जो हमारे प्लान देखने वाले लोग हैं वो हमारे खास हैं। हमारा फोकस उन पर जरूर होना चाहिए कि ऐसा नहीं कभी कि हम पदाधिकारी हैं वो हमारा स्टाफ है तो हमारा इंटेंशन वहाँ प्लान दिखाने का बदल जाए। नहीं, आज वो जरूर हमारा स्टाफ है लेकिन कल वो डायमंड बनेगा और हम उसी फ्यूचर को देख के उनके पास जा रहे हैं। तो ये बात हमें बिल्कुल ध्यान देना है कि प्लान दिखाने वाले लोग हमेशा आम होते हैं लेकिन जो प्लान देखते हैं वो हमेशा खास होते हैं। इस इंटेंशन के साथ जाना है, प्लान दिखाना आवश्यक है। आप इस बात को जरूर फोकस करें कि केवल प्लान दिखाना आवश्यक है, अच्छा प्लान ही दिखाना है ये आवश्यक नहीं, केवल प्लान दिखाना है। जितना ज़्यादा मात्रा में आप प्लान दिखा सकते हैं आप केवल प्लान दिखाएं, ये नहीं सोचें कि हम अच्छा प्लान दिखाएंगे तभी प्लान दिखाएंगे। आप दिखाते हैं अच्छा प्लान ऑटोमेटिक हो जाएगा। कभी किसी ने कोई अपलाइन आपको नहीं बोले होंगे कि अच्छा प्लान ही दिखाना है, वो यही बोलते हैं कि केवल आप प्लान दिखाएं। इस बात को जरूर ध्यान देना है कि प्लान को दिखाना एकदम बिल्कुल सरल तरीके से प्रस्तुत करें, उसको जटिल नहीं बनाएं। बहुत सारे लोग प्लान को इतना घुमावदार बना देते हैं, उनको लगता है यार इतना इसको हम प्रेरित करेंगे, इतना मोटिवेट कर देंगे, तो वो तो कन्फ्यूज हो जाता है। आप अच्छा वक्ता जरूर बन सकते हैं, आप अच्छा बोल जरूर लेते हैं, लेकिन अच्छा बोलने से, अच्छा प्लान दिखाने से रिजल्ट कभी नहीं मिलता। प्लान बिल्कुल सरल तरीके से दिखाएं ताकि उनके दिमाग में आपका प्लान जरूर सेट हो जाए। दूसरा चीज़ है कि प्लान दिखाते वक्त गेस्ट का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम सर झुका के प्लान दिखाते हैं, हमारे गेस्ट कहीं फ़ोन से बात कर रहा, उसका ध्यान कहीं और है, वो हमको किसी तरह झेल रहा। तो हमेशा आप अपने गेस्ट पर फोकस बना के रखें कि उनका ध्यान प्लान पे है या नहीं। जब इधर उधर उनका अगर ध्यान है आप रुक जाएं 10-5 सेकंड के लिए और उनके ध्यान को प्लान पे आकर्षित करें, फिर अपने आगे की बातें आप जरूर करें। खुद से प्लान आप नहीं दिखाते हैं तो उसका कुछ नुकसान भी होता है, जो नुकसान के बारे में अगर जिक्र करें। सबसे पहले आपके प्लान दिखाने में कभी निखार नहीं आएगा। यदि आप खुद से प्लान नहीं दिखाते तो आप कभी एक्सपर्ट प्लान दिखाने में नहीं बन सकते, अच्छे लीडर के रूप में आपकी पहचान कभी बन ही नहीं सकती। आपका काम चलेगा, आपके अपलाइन भी प्लान दिखाएंगे, आपका लेख तो चलता रहेगा, सब चीज़ होता रहेगा, लेकिन आपका उसमें अपना इमेज नहीं बनेगा। आपके अपलाइन प्लान दिखाएंगे तो मान सम्मान उन्हें मिलेगा, कामयाब वो होंगे, सब चीज़ उनके पास होगा, जय जयकार उनका होगा, हमेशा वाहवाही उनको मिलेगी, आपका कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आप जरूर प्लान दिखाएं, खुद से प्लान दिखाएंगे तो मान सम्मान आपको मिलेगा, चेक आपका बनेगा, डायमंड आप बनेंगे, सब कुछ आपका होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका अपना एक अलग वजूद, आपका एक अलग पहचान, आपके ग्रुप के लोग आपको अपना रोल मॉडल माने, वो आपके ऐसा बनना चाहें, तो आपको प्लान खुद से दिखाना ही पड़ेगा। अब विकल्प आपके हाथ में है, जिंदगी भर आप अपना लाइन से प्लान दिखवाएं या खुद प्लान दिखाने के लिए निकल जाएं। चूंकि भविष्य आपका है तो फैसला आपको ही करना पड़ेगा, जिंदगी आपकी है, भविष्य आपका है तो फैसला आपका करना पड़ेगा कि सिर्फ अपलाइन का वाहवाही हो, अपलाइन का मान सम्मान हो, या
कभी ना कभी उस जगह पर आप अपने आप को देखते हैं, आपके अपलायन को गर्व तब होता जब आप ठीक उनका डुप्लीकेट करते। आप जितने निखरते हैं, जितने आप ऊंचाई पर चले जाते हैं, आपका अपलायन का सीना आपसे ज़्यादा चौड़ा होते चला जाता है। तो ये जब तक आप प्लान नहीं देखेंगे तब तक ऐसा नहीं हो सकता है। प्लान दिखाना हमारा कर्तव्य है, इस बात को बिल्कुल ध्यान देना है कि हमारा कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ प्लान दिखाना है। अच्छे या बुरे की खोज करना हमारा कर्तव्य नहीं है। कभी कभी हम लोग प्लान दिखाने से पहले निर्णय लेते, अरे ये तो बिल्कुल लो प्रोफाइल है, ये तो बहुत दूर का है, ये तो देहात का है, ये तो शहर का है। कुछ भी नहीं, आपका कर्तव्य है सिर्फ प्लान दिखाना। अच्छे बुरे की खोज करना आपका कर्तव्य नहीं है, वो आप ऊपर वाले के हाथ में छोड़िए। किसके जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन कब आएगा, हम किसी के भाग्य विधाता नहीं, हम ज्योतिष नहीं कि हम समझ नहीं इसकी जिंदगी तो ऐसे ही रहेगी। नहीं, आप अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से करते चले जाएं। सबसे अच्छा प्लान, लोग बोलते हैं कि सबसे अच्छा प्लान जब दिखाना हो जाएगा ना, हम तब प्लान दिखाने के लिए चले। मेरे दोस्त, सबसे अच्छा प्लान दिखाने के लिए आपको कोई बोले नहीं होंगे। सबसे अच्छा प्लान वही है जो आप दिखाते हैं, जो आप दिखा दिए, चाहे जैसा भी दिखा दिए, लेकिन सबसे अच्छा प्लान वही हुआ जो आपने दिखाया। और सबसे बुरा प्लान, सबसे खराब प्लान, सबसे घटिया प्लान वही हुआ जो आपने कभी दिखाया ही नहीं। इसलिए आपका काम है अच्छा प्लान नहीं, जो आप दिखा दिए वही अच्छा है, अगर आप नहीं दिखाए वही खराब है। तो आप हमेशा प्लान दिखाने पे फोकस करें। हम एक आध बात करके, अभी चूंकि समय अलाउ नहीं कर रहा, कभी भी इंतजार मत करिए। कभी लोग बोलते हैं कि सही समय आएगा तो हम प्लान दिखाने चले जाएंगे। सर यहाँ आप दिखा दें, इसके बाद हम जरूर दिखा दें। सर थोड़ा और सीख लेते हैं, कुछ परफेक्शन हमें आ जाए, फिर हम प्लान दिखाने चले जाएंगे। दोस्त, परफेक्शन तब आएगा जब आप करेंगे, प्लान दिखाएंगे। दिखाते दिखाते आप परफेक्ट बनेंगे, सोचते सोचते कभी आप परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो इंतजार मत करिए, सही समय कभी नहीं आएगा। तो इसलिए आज आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, आप वहीं से शुरुआत करें। परफेक्ट मौके का इंतजार करोड़ों सपने को खत्म कर दिया है। कभी भी आप परफेक्ट समय का इंतजार न करें। हमारे गुरुदेव जी बोला करते हैं कि लोग सोचता है कि सारा सिग्नल जब ग्रीन हो जाए हम घर से तब निकलें, ऐसा कभी नहीं होगा कि सारा सिग्नल आपका ग्रीन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आज आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे कुछ बोलने का मौका दिया है, और सर ने हम पे इतना भरोसा करके आज इस प्लेटफॉर्म पे कुछ बात करने का मौका दिया है। सर आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हमारे इस चैनल पर जितने भी साथी हैं, दिल से आप सभी का आभार प्रकट करते हैं कि आपने अपना कीमती समय यहाँ दिया हुआ। हमारे इस चैनल पर जितने भी हमारे गुरुदेव हैं, सारे गुरुदेव को सादर चरण स्पर्श है कि सर आपने मुझे उस लाइक समझा और इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर कुछ बोलने का हमें अवसर दिया है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। थैंक यू सर।